हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश भर में नशा तस्करों पर की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई के तहत रादौर के गांव छोटा बांस में नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चला। यहां पर नशा तस्करी के आरोपियों को 5 नोटिस दिए गए थे। जब पुलिस प्रशासन गांव में बुलडोजर लेकर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। नशा तस्करों के घरों की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें बुलडोजर के आगे से हटा दिया। रादौर के छोटा बांस में राजेश कुमार, सुखबीर, शुभम, आकाश और अजय को नोटिस दिया गया था। ये आरोपी नशा तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस ने इनकी संपत्ति की जांच कराई, जिसमें सामने आया कि इन आरोपियों ने नशा तस्करी कर प्रॉपर्टी बनाई है, जिसमें इन्होंने 2 मंजिला मकान तक बनाया है। इसके बाद से ही पुलिस इनकी संपत्ति पर कार्रवाई करने की तैयारी में थी। अब अनुमति मिलने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। रादौर का छोटा बांस नशा तस्करी के लिए काफी बदनाम है। यहाँ पर शाम के समय स्मैक की लत के आदि लोग पहुँचते हैं। इसके साथ ही यहाँ से स्मैक जिले में अन्य जगहों पर सप्लाई होती है। यही वजह है कि पिछले दिनों नशा मुक्ति मुहिम की बैठक में छोटा बांस का मामला उठा, जिस पर पुलिस ने यहां पर चौकी भी स्थापित की थी। इसके बावजूद नशा तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग रही थी। रादौर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। देखिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करा गया था जिनके खिलाफ हमारे यहाँ रादौर में नशा तस्करी के और अन्य NDPS एक्ट के मुकदमे दर्ज थे। वह इन लोगों ने जो अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर उन्हें भी आइडेंटिफाई करा गया। उसके बाद ये ज़मीनें म्यूनसिपल कमेटी रादौर की ज़मीन पर कब्जा कर बनाई हुई थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ MC रादौर द्वारा इनको नोटिस दिया गया था पिछले सप्ताह प्रॉपर्टी वैकेट करने के लिए, और लेकिन उन्होंने नियम अनुसार प्रॉपर्टी वैकेट नहीं करी। और उसके बाद फिर MC रादौर ने की मदद से आज उन्होंने पुलिस की मदद से इन प्रॉपर्टीज़ को डेमोलिश करा गया है। अभी जो टोटल नोटिस जारी करे गए थे 5 लोगों को जारी करे गए थे, आज 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है। एक दोनों ही राजेश नाम के व्यक्ति हैं, उनके एक राजेश का परिवार है, उसके बेटे, दोनों बेटे और उसकी वाइफ के खिलाफ हमारे यहाँ पर 2 मुकदमे दर्ज हैं NDPS एक्ट के। एक राजेश जो दूसरे राजेश हैं उनके खिलाफ भी एक NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज है। आज उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है। इसमें से इनमें से कोई जेल भी है सर? देखिए, फाइनल डिटेल्स SHO साहब बता पाएंगे, मेरे पास अभी केसेस की डिटेल्स नहीं है। ये NDPS एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा जी। अभी कितने हो रहे हैं जो नोटिस दिया गया है? अभी जिन लोगों को आइडेंटिफाई करा गया, जो इलीगल स्क्वैटर्स बेसिकली जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करे बैठे हैं और वह अपराध में भी संलिप्त हैं, अभी ऐसे 3 लोगों को और आइडेंटिफाई करा गया है और उनको नोटिस भी दिए गए हैं, जिनके खिलाफ आगे भी नियम अनुसार म्युनिसिपल कमेटी रादौर की मदद से हम एक्शन लेते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।